आप सभी देशवासियों को चौथा स्तंभ उत्तर प्रदेश की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। समाज में हमेशा से महिलाओं को कमजोर माना जाता रहा है, लेकिन महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। वर्तमान में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आज महिलाओं के सहयोग से ही समस्त विश्व का चौमुखी विकास हो रहा है। महिलाओं के हौसलों को बुलंद करने और समाज में फैली असमानता को दूर करने के लिए ही हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं ने अपने साहस, संघर्ष और धैर्य के बलबूते बहुत से मुकाम हासिल किए हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है विमेन इन लीडरशिप। देखिए, यदि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना और अवधारणा को सार्थक रूप देना है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम महिलाओं को घर और कार्यस्थल पर उनकी योग्यता और काबिलियत के बलबूते समान अधिकार देते हुए, समानता का भाव रखते हुए नेतृत्व की बागडोर सौंपें और इस तरीके से हम अपने समाज, परिवार और राष्ट्र को एक बेहतर भविष्य दे पाएंगे। हमने देखा है कि कोविड महामारी के दौरान महिलाओं ने किस तरह घर और काम की अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। चाहे महिला चिकित्सक हों या नर्सेस हों, उन सब ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा है और बखूबी अपनी भूमिकाओं को निभाया है। महिलाएं बहुत जागरूक होती हैं अपने और अपने परिवार को लेकर। बस हमें थोड़े सम्मान और आदर के साथ एक पहल करनी होगी और ये पहल हमारे भविष्य के लिए बहुत ही सुखद होगी। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को हार्दिक बधाई। आज लगभग वुमेन्स डे मनाते मनाते हमें करीब 112 साल पूरे हो चुके हैं, जो कुछ अमेरिकी महिलाओं ने अपने हक और अधिकारों के लिए 1908 में शुरू किया था। इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि करीब 100 साल बीतने के बाद भी महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण का रवैया वही चलता आ रहा है। अगर हम बात करें आयशा दामिनी और कई महिलाओं की, तो मुझे लगता है कि महिला दिवस का औचित्य तब तक प्रमाणित नहीं हो सकता जब तक उसका सच्चे अर्थों में महिलाओं की दशा में सुधार नहीं है। मेरी तरफ से आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। मैं महिला दिवस के इस अवसर पर, शुभ अवसर पर सशक्तिकरण के क्षेत्र में मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है कि आप सभी अपने सपनों में जान डालें और उसे पूरा करने के लिए खुद पर भरोसा रखें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, शिक्षित बने, साथ ही तार्किक बने और अपने और महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा और अत्याचार के प्रति आवाज उठाएं, अपनी लड़ाई खुद लड़े, किसी मसीहा या चमत्कार का इंतजार ना करें। मैं आप सभी गर्ल्स और महिलाओं को विश्व महिला दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ मैं एक्चुअली गर्ल्स एजुकेशन की प्रमोटर हूँ, सो मैं सभी स्कूल जा रही लड़कियों से मैं निवेदन करती हूँ कि आप स्कूल जाएं, शिक्षित हों और उस शिक्षा का उपयोग करके अपनी लाइफ में जॉब और जॉब पाने की कोशिश करें एंड आप इंडिपेंडेंट हो। साथ ही साथ आप, अगर आप इंडिपेंडेंट होंगे, आप शिक्षित होंगे तो आप समाज को भी शिक्षित करेंगे। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएँ। महिलाओं को हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सभी क्षेत्र में उनको समान अधिकार दिया जाए। जब तक हम लोगों की सोच को, उनकी दृष्टि को, उनके विचार को नहीं बदलेंगे, तब तक हम महिलाओं को कभी एक समान अधिकार नहीं दे सकते। मैं एक पर इस पे आपको दो लाइन, चंद लाइन में बोलना चाहूँगी। लिंग भेद को भुलाकर नर नारी का सम्मान करो, मनुज भेष में ही रह के मानव जग का कल्याण करो। आप सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप महिलाओं को आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है और आज नारी हर क्षेत्र में आगे है। अगर रिसेंट में देखा जाए तो कोरोना आपदा के समय में भी महिलाओं ने सबसे फ्रंट लाइन में रह करके कोरोना मरीजों का इलाज किया है। मैं सबसे पहले आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। महिलाएं जो है आजकल बहुत ही तरक्की कर रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, और सबसे बड़ा योगदान उनके माँ बाप का है कि जो बेटियों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन आजकल ऐसा है कि मतलब पढ़ने के बावजूद भी दहेज की मांग जो है बढ़ती जा रही है, दहेज कम नहीं हो रहा है। हमें ये होना चाहिए कि महिलाओं को सम्मान मिले और उसकी इज्जत की जाए, ताकि दहेज की वजह से किसी भी महिला को पीड़ित ना किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाइयां। आज लगभग विमेंस डे बनाते बनाते हम सभी को 112 साल पूरे हो चुके हैं, जो कुछ अमेरिकी महिलाओं ने हमारे हक और अधिकारों के लिए 1908 में शुरू किया था। इसमें सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 100 साल बीतने के बाद भी आज भी महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण में वही रवैया चलता आ रहा है। अगर हम बात करें आयशा, दामिनी और कई महिलाओं की, तो आज भी महिला दिवस का औचित्य तब तक प्रमाणित नहीं हो सकता जब तक उनके सच्चे अर्थों में महिलाओं की दशा में सुधार ना आए। आप सभी को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर शुभकामनाएं देती हूं। मैं चाहती हूं कि इस महिला दिवस पर महिलाएं दृढ़ संकल्प करें कि वह स्वयं को सुरक्षा करेंगी और सभी अपराधों को। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए चौथा स्तंभ उत्तर प्रदेश न्यूज के साथ।